सो दोस्तों, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना था, छोटा सा अपडेट है। एक्चुअली आपको पता ही है कि मैं पिछले एक साल से होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बालों के लिए ले रहा हूँ, अपने हेयर ग्रोथ के लिए, और मतलब हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो है चल रहा है मेरा। पिछले एक साल से मैं कंटिन्यू दवा ले रहा हूँ होम्योपैथिक, और डॉक्टर बत्रा से ले रहा हूँ। सो पिछले एक साल से मैं मुंबई में था, और वहाँ की जो क्लिनिक थी वहाँ से मैं ले रहा था, वहीं से स्टार्ट किया मैंने। और तो एक्चुअली मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली में, तो मैं आने से पहले गया था, डॉक्टर से मिला भी था, तो उन्होंने बोला जब भी आप जाओगे तो आपको जो नियर बाई में जो क्लिनिक है वहाँ पे हम केस ट्रांसफ़र कर देंगे, और आप केस ट्रांसफ़र करवाना नहीं चाहते हो तो हम आपको मेडिसिन यहाँ से कुरियर भी कर सकते हैं, लेकिन कुरियर का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं वहीं पर केस ट्रांसफ़र कर देना, हमारा मेडिसिन जा कर ले लूँगा और थेरेपी भी ले सकता हूँ। सो ये हुई थी बात हमारी। सो हुआ ये कि अभी मेडिसिन जो है मेरा ख़त्म हो गया, तो बीच में एक दो बार मेरे पास कॉल आया था, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर थे पहले वहाँ के, तो उस पर फ़ोन नहीं लग रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। फिर बीच में मैंने गूगल से नंबर निकाला और मैंने वहाँ के जो लैंडलाइन नंबर है क्लिनिक के वहाँ पर कॉल किया, तो बीच में एक दो बार बात हुई थी हमारी, और कॉल भी वापस कॉल भी आया था मेरे पास कि जब आपको जाना हो तो उससे पहले मेरे को कॉल कर देना, एक दो दिन पहले हम आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे और केस ट्रांसफ़र कर देंगे, और आप वहाँ से जाकर थेरेपी और मेडिसिन दोनों ले सकते हो। तो बीच में हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जब आपका मेडिसिन ख़त्म हो जाए तब आप बता देना एक बार। तो मैंने बोला ठीक है, जब मेडिसिन है अभी भी हमारे पास, जब मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। बट पिछले दो तीन दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है। तो मैं पिछले दो तीन दिन से कॉल कर रहा हूँ कंटिन्यू, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है क्लिनिक में, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। मैं कल भी ट्राई किया था, परसों भी ट्राई किया था, और जो वहाँ का लैंडलाइन नंबर है क्लिनिक में जो रहता है कंटिन्यू, उसी पर ट्राई कर रहा हूँ कि दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास। मेरे पास दूसरा कॉन्टैक्ट था एक बंदे का, बट वो जॉब वहाँ से छोड़ दिया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मैं फिर से ट्राई करूँगा। उन्होंने बोला था जब भी आपका मेडिसिन ख़त्म हो जाए दो तीन पहले आप हमको कॉल कर देना, आपका जो नियर बाई में क्लिनिक है वहाँ पर हम आपका केस ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दे देंगे, और आप जाके मिल लेना, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं दो तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है अभी, और जैसे ही फ़ोन उठाएगा कोई फिर मैं बताऊँगा, क्योंकि मेडिसिन अब बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सोचा था कि अगर जितना जल्दी मेडिसिन ले लो सही है, और मैं बीच में मेडिसिन जो है काफ़ी गैप भी कर दिया था, एक दो दिन चार दिन ऐसे करके खाता था। तो अब मेडिसिन ख़त्म हो गया है, चूँकि पैसा तो कंटिन्यू लग ही रहा है मेरा। सो इससे अच्छा है कि मेडिसिन कंटिन्यू लो और थेरेपी लो, मैं डिले नहीं कर सकता क्योंकि पैसा मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो मतलब ईएमआई पे जाता है। सो ईएमआई पे हर महीने कटता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी मैं फिर से वापस से ट्राई करूँगा और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही कॉन्टेक्ट होगा हमारा तो फिर मैं आपको अपडेट दूँगा कि मैं कौन से क्लिनिक में गया और क्या क्या हुआ। सो फिलहाल के लिए नहीं, और देखते हैं, कॉन्टैक्ट में कंटिन्यू ट्राई करूँगा। आज संडे है तो संडे को भी क्लिनिक खुला रहता है वहाँ का, बट अभी तो काफ़ी टाइम हो गया तो मैं जा नहीं सकता। अभी ट्राई करेंगे कल परसों, जब भी कॉन्टैक्ट होगा मैं उनसे बात करूँगा और बोलूँगा कि भाई हमारा जो है केस ट्रांसफ़र कर दो, जो पास में है मैंने देखा है नियर बाई में कौन सा है, और उनको भी पता है कि मैं उनको बताया कि हमारे नियर बाई में ये वाली क्लिनिक पड़ता है। उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।